हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट स्टोर है, ठीक है, स्केच ओयर प्रो का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, प्रोजेक्ट स्टोर। आप वहां पर स्केच ओयर का जो प्रोजेक्ट फाइल्स है दोस्तों, आप उसको अपलोड कर सकते हैं, कोड को आप अपलोड कर सकते हैं, आइकॉन वगैरह को आप एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो कस्टम ब्लॉक्स वगैरह है ना, वो भी सब कुछ है दोस्तों। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टोर का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। आगे हम वीडियो में देखेंगे दोस्तों, चेक करेंगे ये प्रोजेक्ट फाइल को, ठीक है। आप भी दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको भी कंप्लीट जानकारी मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है ना क्रेडिट देते हैं, आप जो है ना दोस्तों इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए, प्रोजेक्ट स्टोर, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टोर है, आप यहाँ पर जो है ना स्केच ओयर प्रो का प्रोजेक्ट फाइल को अपलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें जो है फायरबेस का डाटा कनेक्ट है दोस्तों। आपको यहाँ पर फायरबेस का जो आईडी वगैरह है दोस्तों, आपको उसे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये होम पेज है, जहाँ पर आपको एडिटर चॉइस, न्यू अपडेट वगैरह, ट्रेंडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये प्रोजेक्ट व्यू है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट वगैरह। उसके बाद दोस्तों कमेंट है, और दोस्तों ये इसका वेलकम स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन जिसे हम कहते हैं वो है। उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर कमेंट वगैरह कर सकते हैं प्रोजेक्ट का रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये कोड व्यू है, कोड ये आपका अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पर आपका बायो नो अवेलेबल, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट में आपने प्रोजेक्ट वगैरह कितना अपलोड किया है, सारा डिटेल्स आपको देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। आप अपना अकाउंट को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट का आइकॉन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज न्यू, स्क्रीनशॉट, टोटल 5 पीस, आप कैटेगरी, स्केच ओयर का प्रोजेक्ट, सिलेक्ट प्रोजेक्ट, कमेंट, ये सब दोस्तों जो है ना आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है दोस्तों प्रोजेक्ट अपलोडिंग डिटेल्स है दोस्तों, सॉरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइकॉन दिया गया है, तो आइकॉन स्टोर, यहाँ पर दोस्तों आइकॉन को भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। इमेज सेव, तो यहाँ पर दोस्तों आप आइकॉन को सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम ब्लॉक, जो मोर ब्लॉक होता है, कस्टम ब्लॉक्स होते हैं अब दोस्तों उसको भी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, मैं आपको क्या दिखाऊँ, ठीक है। मैं जो है आपको दोस्तों ये इंस्टॉल करके, बिल्ड करके दोस्तों दिखा देता हूँ कैसा प्रोजेक्ट है, हम चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा, और दोस्तों हम ये प्रोजेक्ट फाइल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लोकल लिब है, आप देख सकते हैं ये जो फाइल है ये मिसिंग है, तो चलिए दोस्तों इसे हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंड्रॉयड, आप देख सकते हैं ये जो V3.1 लिखा हुआ है ना, आपको इसे फॉलो करना है। और गूगल में दोस्तों जो है हम इसे सर्च करते हैं, तो सर्च करने पर दोस्तों आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा, इसका ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये गिटहब का ये ऑप्शन का ऊपर आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपको ये देखिए ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा कोड व्यू, ये दोस्तों आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन, ये जो लाइब्रेरी का आपको जो है ये कोड है, आपको इसे कॉपी करना है, इस तरीके से कॉपी करना है। बाकी दोस्तों आप इसका पर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये जो है हमने कॉपी कर लिया है दोस्तों, हम यहाँ पर जो है ना इसे डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये मिसिंग है दोस्तों। हम इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख करके, टाइपिंग करके भी दोस्तों आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए com.github, ये आपको टाइपिंग करना है, यहाँ पर इस तरीके से टाइपिंग कर लेना है दोस्तों। टाइपिंग करके दोस्तों आप यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा,
तो थोड़ा समय वेट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये फाइल जो है दोस्तों डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है दोस्तों, हमने इसे जो है डाउनलोड कर लिया है। अभी हम इसको बैक करते हैं दोस्तों और दोबारा हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत आती है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप मतलब जो प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों वो सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर जो है ना बिल्ड हो रहा है। आप देखिए बिल्डिंग एपीके। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल स्केच यार मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं इसको जो है ना बैक करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइल हम यहाँ पर रिस्टोर करते हैं दोस्तों, रिस्टोर करने दौरान ना यहाँ पर आपको एक डायलॉग शो होगा। अगर उस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर एक्स्ट्रा कोई लाइब्रेरी वगैरह इस्तेमाल किया गया है तो उसको कॉपी करने का आपको एक डायलॉग शो करेगा, तो वहाँ पर आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने दौरान दोस्तों बहुत सारे जो है ना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट फाइल रहता है, जिसमें क्या होता है ना, सही तरीके से दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल को बैकअप करते हैं या फिर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ना, बैकअप करते हैं हाँ, तो उस दौरान दोस्तों बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट फाइल में ये लाइब्रेरी जो है ना ये सही ढंग से कॉपी नहीं हो पाता है। अगर कॉपी होता है दोस्तों, जब भी हम लोग उसे रिस्टोर करते हैं ना, तो सही ढंग से ये लाइब्रेरी वगैरह जो है रिस्टोर नहीं होता है। जिससे जिससे आपको क्या करना है दोस्तों, सॉरी, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है कौन सा फाइल आपने डाउनलोड किया है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से ओके कर देना है, क्योंकि आप उस लाइब्रेरी को इस प्रोजेक्ट फाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके से टिक चिन्ह आपको दे देना है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो लाइब्रेरी मिसिंग होने के वजह से इसमें एरर आता है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है हम उसे इंस्टॉल करते हैं। सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है दोस्तों, हम इसे इंस्टॉल करते हैं और ये ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं दोस्तों, कुछ भी हम नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे कि TEST Test 1 इस तरीके से दोस्तों Test 1 लिखते हैं, और यहाँ पर हमारे ईमेल आईडी देते हैं TEST 1 करके, ये हमारा ईमेल आईडी है दोस्तों। और इसी को ही दोस्तों हम जो है, और ये हमारा ईमेल आईडी हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम जो है हमारा पासवर्ड को दोस्तों हम जो है पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा पासवर्ड है दोस्तों, हम लॉगिन करते हैं। दोस्तों इसमें जो है ना एरर शो कर रहा है। ठीक है, हम इस एरर को फिक्स करते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों पैकेज नेम जो है दोस्तों आपको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर एरर है दोस्तों। एक काम कीजिए आप दोस्तों, ये जो पैकेज नेम है ना कॉम, ये जो है ना ये पैकेज नेम है app.store, इस पैकेज नेम को आपको कॉपी करना है। कॉपी करना आता है ना आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये सेटिंग का पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से एडवांस सेटिंग का पर क्लिक करना है, और ये नाम को आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों। ठीक है, कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको चले आना है प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, और यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन में आना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑन क्रिएट का ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है, और आपको और एक काम करना है दोस्तों, आपका जो फायरबेस का डाटाबेस है ना, फायरबेस का डाटाबेस में वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्जन ऐप दोस्तों, ये जो है ना ये नहीं है, ये मिसिंग है दोस्तों। आपको यहाँ पर वर्जन देना है दोस्तों, आपको कितना देना है दोस्तों, आपको यहाँ पर देख लेना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है इसका वर्जन कितना है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट फाइल का वर्जन है दोस्तों। आप सेटिंग में जाइए, और यहाँ पर दोस्तों आपको एडवांस सेटिंग का पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 है। ठीक है, 1.3 है दोस्तों, कितना 1.3 है दोस्तों। आपको यहाँ पर एंटर करना है 1 दोस्तों, ये पॉइंट, उसके बाद 3, इस तरीके से एंटर करके दोस्तों आप ओके कर दीजिएगा। तो ये वर्जन का जो ऐप का जो कोड है दोस्तों, ये यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया दोस्तों। अभी जो है दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट फाइल जो है ना दोस्तों, ये सक्सेसफुली दोस्तों जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एरर शो कर रहा था उसका मुताबिक ही मैंने उसको फिक्स किया। ठीक है, हमने इसे अलाउ करते हैं दोस्तों, और अलाउ करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने
प्रोजेक्ट फाइल जो है पहले अपलोड किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। बाकी दोस्तों ये इसका प्रोजेक्ट फाइल नहीं है दोस्तों, इसीलिए आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट फाइल जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों फ़ोटो वगैरह जो इसमें मिसिंग है, क्योंकि मैंने जो है ये प्रोजेक्ट फाइल इसमें अपलोड नहीं किया था दोस्तों। ये जो डाटाबेस है ना ये किसी दूसरे का डाटाबेस है दोस्तों, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट फाइल को अपलोड करते हैं दोस्तों तो दिखने के लिए मिलेगा। अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड ए प्रोजेक्ट फाइल का ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ से जो है अपना प्रोजेक्ट फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कस्टम ब्लॉक्स आप अपलोड कर सकते हैं, मोर ब्लॉक्स आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ है दोस्तों आइकॉन, आप यहाँ पर जो है ना ये आइकॉन का स्टोर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे ऑप्शन है। लोकल लाइब्रेरी दोस्तों, आप यहाँ पर जो है ना लाइब्रेरी को भी आप अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, इसका पर क्लिक करके। और दोस्तों आपका जो प्रोफाइल्स है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा जो है प्रोफाइल है दोस्तों। आप चाहे तो अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, फोटो चेंज कर सकते हैं, बायो लिख सकते हैं, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है दोस्तों ठीक है, आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप ये प्रोजेक्ट फाइल को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। अगर आपको ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।